हेलो स्टूडेंट, मैं तनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज ये कंप्यूटर का लास्ट सेशन है, ठीक है, यानी लगभग 125 क्वेश्चन हो गए हैं और ये गारंटी दे रहे हैं 125 क्वेश्चन जो ये कर लिया इससे पक्का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हो सकता है मिसलिंग से क्वेश्चन आपको तारीफ बीएस और क्वेश्चन लिखा लिखा है देंगे कि देखो ये पूछा गया, देखो ये पूछा गया, हालांकि सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ये भी 550 क्वेश्चन जो है 550 है 550 क्वेश्चन जो है सारे पूछे गए और ये जो कर लिया वो समझ जाओ पाप फेल तो नहीं होगा, ठीक है। देखो मेहनत के ऊपर है, कहते हैं ना कि मतलब कहा जाता है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, वही कहानी है कि जितना मेहनत करोगे उतना ही तुमको इसका रिजल्ट या पर्याप्त तुमको संतुष्टि मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम में, सही है, और कॉन्फिडेंट भी बनेगा। देखो आदमी जब पढ़ा रहता है ना तो अपने आप कॉन्फिडेंट एग्जाम में दिखता है, क्या कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हार्ड होगा तो सबके लिए हार्ड होगा, ये चीज़ होके आता है, सही है। तो देखो आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, सेशन पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहे चाहे ना रहे ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। कार्य क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, एकदम सही है। आउटपुट डिवाइस के लिए एक्सेस प्रदान करता है, हाँ काम करना है कि नहीं कर रहा है कि फलाने वाला सब। फाइल तक को नियंत्रित करना, सही बात है। तो उपयुक्त सभी काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग मतलब समझ लीजिए ऑपरेट करना, ठीक है। ऑपरेटर जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी फील्ड में, तो ऑपरेट करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे तेज कौन सा मेमोरी है। देखो हम ये कराए थे और देखो ये हालत थी, हम एक पोल कराए थे कम्युनिटी में, पोल कराए थे हमारे चैनल पर, डेली 2 क्वेश्चन आते हैं जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, यानी डेली पोस्ट डलता है क्वेश्चन का, उसको लगाओगे तो तुमको अंदाजा लगेगा कि मतलब हाँ सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो जब हम कम्युनिटी में पोस्ट डाले थे कि सबसे तेज मेमोरी क्या है, तो कोई रैम डाल रहा है, कोई रोम डाल रहा है, कोई फलाना है, कोई ढिमकाना, ठीक है। मगर कैश मेमोरी जो होती है सबसे तेज मेमोरी होती है, ठीक है। और ये CPU और ALU के बीच में क्या होता है, समन्वय स्थापित करता है, जिससे क्या होता है CPU की स्पीड भी बढ़ जाती है, ठीक है। हालांकि इसकी मेमोरी क्षमता कम होती है मगर स्पीड बहुत तगड़ी होती है। चलो अगला देखो, प्रत्येक वेब एड्रेस वास्तव में संख्या की एक श्रृंखला है जिसे आमतौर पर क्या कहते हैं। वेब एड्रेस को हम क्या कहते हैं, जो वेब एड्रेस होती है जहाँ तक लोग सारी चीज़ें वो सर्च फर्च मारते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं IP एड्रेस। IP एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं, सही है। चलो निम्न में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर को एक नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये देखो मॉडम होगा जी, NIC नहीं होगा, मॉडम होगा, ठीक है। मॉडम का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। मॉडम देखे हो गए आज से पहले, फिर बता रहे वही एग्जाम्पल, इससे पहले मतलब वो अखिलेश यादव जी का लैपटॉप मिला था दीदी का, हम अपने फ्रेंड के घर ले गए थे, तो पहले एयरसेल की सिम आती थी, एयरसेल की 15 रुपये का रिचार्ज करो तो 35 MB 40 MB मिलता था, और उस समय वही बहुत होता था क्योंकि 3G के लिए 35 MB का मतलब आधा घंटा घंटा आराम से चला सकते हो। 4G में फर्स्ट 1 GB पता नहीं चलता है ना, मगर 2G 3G में बहुत होता था MB, ठीक है। 50 MB मिल गया तो मतलब समझो तुम राजा आदमी हो, ठीक है। आदमी 100 MB लेके 1.5-2 महीना चलाता था जब 2G 3G मोबाइल हुआ करते थे, ठीक है। तो ये कहानी थी, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, एक मॉडम लगा, जैसे पेन ड्राइव नहीं लगाते तुम लोग, हम लोग उसमें एक मॉडम लगाते थे और उससे सिम से क्या करते थे, कनेक्ट करते थे, ठीक है, या फिर सिम निकाल कर उसी मॉडम में डाल देते थे, ठीक है। तो हम यहाँ जिसमें रिचार्ज करते थे तो मॉडम का प्रयोग करते हैं, खासकर पर्सनल कंप्यूटर या LP में करते हैं, लैपटॉप ये सब में, ठीक है। चलो अगला देखो, निम्न में से कौन से एक ब्राउजर के एक एक्टिव टैब को बंद करने के लिए शॉर्टकट की है, ठीक है। बंद करने की बात हो रही है, देखो बंद करने के लिए Ctrl+W दबाते हैं। Ctrl+C किसके लिए होता है, कॉपी के लिए, और Alt+F4 और Ctrl+F5 ये जो होता है विंडो क्लोज करने के लिए होता है। क्या होता है, ये ब्राउज़र बंद करने के लिए तो तुम्हारा Ctrl+W हो जाएगा, मगर विंडो को बंद करने के लिए Alt+F4 दबाओ या Ctrl+F4 दबाओ, ठीक है। सब दोनों सही हो सकते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, Ctrl+W हो जाएगा, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा ये चीज़ है
कभी कभी पूछता है कि F5 का काम क्या होता है, तो सर जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो करंट शुरुआत से प्रेजेंटेशन चलानी होती है स्लाइड के माध्यम से, तो F5 दबाते हैं, और जहाँ करंट पेज से चलानी होती है तो शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं, शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखना, सही है। चलो अगला देखते हैं। इसके तो नाम में ही आंसर छुपा है। निम्नलिखित से कौन सा URL के बारे में सत्य है? यह एक वेब ब्राउजर है? एकदम नहीं। क्या यह मैसेंजर है? नहीं। क्या यह मेल सर्विस है? नहीं। ये क्या है हमारा? एक तरीके से URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक तरीके से एड्रेस वाली कहानी होती है ये, ठीक है, कि यह वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट और अन्य रिसोर्सेज का एक ग्लोबल एड्रेस होता है, पूरे एक एड्रेस वाली कहानी होती है, ठीक है, जो बताएगा कि ये तुम्हारा जो तुम फाइल खोज रहे हो, जो तुम नाम खोज रहे हो, जो तुम सर्च मारे हो, ये इस एड्रेस में मिलेगा तुमको, ठीक है, और वो वेब पेज खोल कर तुम्हारे स्क्रीन के सामने लगता है लाता है, ये URL का काम होता है। और फुल फॉर्म पूछता है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, याद रखना। चलो अगला पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए निम्नलिखित से कौन सी एक बोर्ड की शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस सी सर, कॉपी। कंट्रोल प्लस L क्या करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस राइट करोगे तो सारे तुम्हारे राइट साइड में आ जाएंगे, ठीक है, और जब कंट्रोल प्लस सी करोगे तो सारे तुम्हारे कहाँ चले आएंगे? सेंटर पर चले आएंगे, तो कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है, सही है। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक सर्वर द्वारा नहीं किया जाता है? ठीक है, देखो वेबसाइटों को प्रोसेसिंग की जाती है, डाटाबेस की शेयरिंग मतलब फाइल एक दूसरे को प्रदान करना है, कर सकते हो, सर्वर पर स्टोरेज हो सकती है, ईमेल प्रोसेसिंग हो सकती है, मगर वर्ड प्रोसेसिंग नहीं हो सकता। वर्ड प्रोसेसिंग तुम्हारे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है जिसको वर्ड प्रोसेसर बोलते हो, या वर्ड आर्ट बोलते हो, या MS वर्ड बोलते हो, उससे हो सकता है, ठीक है, प्रोसेसर तुम्हारा सर्वर ये सब काम नहीं करेगा, ठीक है ना, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में सत्य है? सेकेंडरी स्टोरेज वही होता है कि लाइट रहे उसको चाहो तो आसानी से तुम कहीं और पे लगा सकते हो, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज के तुम चाहो तो कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, सेकेंडरी स्टोरेज का ये काम होता है, जैसे तुम्हारे CD हो गए, DVD हो गए, फ्लॉपी डिस्क हो गए, पेन ड्राइव हो गए, ये सब सारी। तो इसमें सबसे सस्ते क्या है? ये चुंबकीय मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते हैं, होता है जी, मैग्नेटिक टिप नहीं कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ये उपकरण 4 मुख्य प्रकार के होते हैं, और भी ज़्यादा होते हैं, बाद में प्राप्ति के लिए इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करता है, क्यों नहीं करेगा, जितनी बार डिलीट मार के करना चाहो कर सकते हो, मगर सबसे सही क्या है इसमें, लगातार पावर की आवश्यकता नहीं होती है, डाउनलोड किए, स्टोर किए अपने में, या फिर कॉपी करके पेस्ट कर लिए, सेव कर लिए, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, अब लाइट रहे चाहे न रहे 5 साल बाद लगाओ स्टार्ट होगा वो, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, LSI का मतलब क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। MSI का मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। LSI का लार्ज होता है स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, ULSI का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ये सब क्या है? ये सब IC के टाइप हैं, ठीक है, किस पे कितने सर्किट तुम, एक ही छोटे से चिप पर कितने सर्किट तुम लगा सकते हो, तो उसका एग्जांपल होता है, ठीक है ना। चलो अगला देखो। निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग की जाती है? फोटोन। देखो सब फोटोन सबसे पहली भाषा प्रयोग की गई थी, ठीक है, हमारे साइंटिस्ट वालों के लिए, ठीक है, सी कोबोल तो है नहीं, ठीक है, सबसे पहले जो हुई थी AI के लिए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो धीरे धीरे क्या करता है, सारे मशीन को मानव के रूप में मतलब इतना सेंसिटिव बनाता है कि जैसे मानव ही है, तो वो क्या होता है, प्रोलोग होता है, ठीक है, प्रोग्रामेबल लैंग्वेज इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल लैंग्वेज, सही है, जिसको याद रखना। निम्न में से कौन सा सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसको क्या बोलते हैं, DSL, ये तो तेज है, T1 तेज है, केबल मॉडेम तेज होता है, लीज लाइन तेज होती है, मगर जो डायलॉप है, डायलॉप मतलब समझते हो, जो टेलीफोन के माध्यम से आता है,
वो थोड़ा बहुत धीमा हो जाता है, ज़्यादा उतना भी धीमा नहीं होता, मगर इन तीनों की तुलना, तीनों के तुलना में, चारों की तुलना में थोड़ा धीमा हो जाता है। सही है, जिसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है याद रखना। UPS का अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना, अधिक पूछी जाती है एग्जामों में। CLEA का फुल फॉर्म पूछता है तो कॉमन लिंक्ड एम्बेडेड होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म तो पक्का पढ़ लेना, ठीक है। और बोलेंगे कि किसी दिन ये भी लाएंगे कि किस चैप्टर से कौन सा पढ़ो, आसानी से हो जाएगा, ठीक है, बस उतना ही पढ़ लो, आसानी से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत है, ज़्यादा झाम लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो, फाइंड ऑप्शन निम्नलिखित में से किस मेनू में उपलब्ध होता है, तो फाइंड ऑप्शन जो होता है हमारे एडिट में होता है, ठीक है, किस में होता है, एडिट के ऑप्शन में होता है। अच्छा, फाइंड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हो, तो जैसे F1 के लिए हेल्प, F2 के लिए 5, F3 के लिए रिसर्च, F5 के लिए स्लाइड प्रेजेंटेशन, ठीक है, F7 के लिए तुम्हारा क्या होता है, स्पेलिंग ग्रामर चेक, ठीक है, F12 के लिए सर सेवेज, ये सब का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये सब फंक्शनल की होती है, इसको याद रखना है 12 के 12, ठीक है, इन सब का यूज़ पूछेगा। सही है, तो आई होप सेशन थोड़ा छोटा होगा मगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो सारे PBSC क्वेश्चन में पूछे गए हैं। सही है, तो कल फिर एक नेक्स्ट सेशन के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।